भावना भी आ चुका है और खुशामद भी लाने के तरह गाड़ी वाले उड़ाकर खुद भाई गाड़ी उड़ाकर सोच रहे कि मैं मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की नजर अगले चुनाव को लेकर सीमांचल पर है। सीमांचल को साधने की कोशिश में बीजेपी नेता यहां का आए दिन दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर है। यहां सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मुस्लिम बहुल सीमांचल के अररिया में एक सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने जहां लव जिहाद की और घुसपैठियों की चर्चा की, वहीं नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने अररिया में राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। राहुल गांधी को राजनीतिक का बच्चा बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आजकल राहुल गांधी आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दाढ़ी को पूरी तरह पक जाए तब न कोई उपाय होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से 50 साल का एक बच्चा मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। भाजपा की सरकार बनाओ, या तो वो जेल में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर उसको दफन कर देगा।